दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और मैं आ चुका हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री का फुल आंसर की लेकर के और 100% सटीक आंसर की लेकर के। तो दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, आपके सभी प्रश्नों को मिलवाऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने सही प्रश्न किए और कितने प्रश्न गलत किए। और दोस्तों मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ से पहले आप लोग इस वीडियो को झट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उसके आंसर के साथ साथ आपको सिलेबस वाले वीडियो मिलती रहे। दोस्तों मैंने जो पढ़ाया था सिर्फ एक वीडियो में उससे करीब 15 से 20 प्रश्न फंसे हैं। आप सोच सकते हैं सिर्फ एक ही वीडियो मैंने बताया था और उसमें से सिर्फ 15 प्रश्न फंसा है, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप इस चैनल के सभी वीडियो को देखा करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्ल न्यूबर्ग ने जीव रसायन शब्द का परिचय कराया था और मैंने इस प्रश्न को आपको बताया था, पीडीएफ भी दिया था टेलीग्राम में। और नेक्स्ट है एंडोक्राइनोलॉजी का अध्ययन में किया जाता है दोस्तों, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें अंतःस्रावी हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है तीन नंबर प्रश्न मोनोसेक्राइड के सामान्य सूत्र है, तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था और ये प्रश्न पूछा गया है CnH2n, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट रिडक्सिंग शुगर, तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था ये जो अपचय अउपापचय होता है वो कौन सा है, वो सुक्रोज होता है, इसलिए चार नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। दोस्तों मैंने इसको जिन स्टूडेंट से मांगा ये पेपर को उन्होंने हड़बड़ी में जल्दी थोड़ा फोटो खींचा इसलिए नहीं दिख रहा है क्लियर, लेकिन मैं आपको इंग्लिश पढ़ के बता दूंगा उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दोस्तों डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, मैंने इस प्रश्न को बताया था और प्रश्न को पूछा गया है। और नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली शर्करा, दोस्तों मैंने इस प्रश्न को बताया था और पूछा गया है, तो दूध में क्या होता है, दूध में लैक्टोज होता है, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न सुक्रोज में पाए जाते हैं, दोस्तों सुक्रोज में क्या पाया जाता है, इसको भी मैंने बताया था, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज दोनों पाया जाता है। और नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड्स के मोनोसेकेराइड्स के खाली स्थान अणु पाए जाते हैं, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 10 अणु पाए जाते हैं। मैंने इस प्रश्न को भी कराया था आपको, प्रश्न पूछा गया है, मतलब जितने भी प्रश्नों को मैंने कराया था उसे जो भी स्टूडेंट मेरे दोनों वीडियो को देखा होगा प्लांट बायोकेमिस्ट्री का 100% उसके 50 अंक बनेंगे, 50 में 50 पूरे के भी। दोस्तों सभी प्रश्न जो मैंने बताया था उसी को पूछा गया है और आगे भी जितना आपका पेपर होने वाला है आपका आपको उन सभी पेपर्स का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे पिछले वीडियो को चेक करके देख लीजिए कितने प्रश्न फंसे हैं, मैंने जो बताया था सिर्फ वहीं पूछा गया है और आगे भी जो पूछा जाएगा सिर्फ वहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा नहीं दावा है। तो आप इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके पेपर होने वाले सभी का वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्च है दोस्तों, तो स्टार्च क्या है, ये आपका मोनोसेकेराइड्स है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर प्रश्न किण्वन प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है, तो दोस्तों किण्वन प्रक्रिया का आपका अंतिम उत्पाद जो है वो आपका ऑप्शन ए वाला है, लंबा सूत्र है पढ़ूंगा नहीं टाइम लग जाएगा। और नेक्स्ट है फ्रक्टोज एक है, तो दोस्तों फ्रक्टोज क्या है, तो ये आपका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से कोई नहीं है। और नेक्स्ट है आपका रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट क्या है रासायनिक रूप से, तो रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट है जो वो आपका दोनों है ए एवं बी दोनों, ठीक है, आप मिलाते जाइएगा। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है आपका 13 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो दोस्तों पॉलीसेकेराइड कौन नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो ये सुक्रोज पॉलीसेकेराइड नहीं होता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल में अघुलनशील है, तो दोस्तों जल में अघुलनशील इनमें से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन बी यानी ओलिगोसेकेराइड जो होता है ये जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में घुलनशील होता है ये। और नेक्स्ट है वसीय अम्ल का सामान्य सूत्र होता है, तो दोस्तों वसीय अम्ल जो होते हैं इसका आपका समान सूत्र होता है इन उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें वसीय कोई भी जो सूत्र है इसमें वसीय अम्ल का सूत्र नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है, तो दोस्तों संतृप्त वसीय अम्ल इनमें से कौन सा है, तो आपका ऑप्शन डी यानी उपयुक्त में से यहाँ पे कोई भी संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण नहीं दिया गया है। और नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न का पूछा गया है ग्लाइकोजन पाया जाता है, तो दोस्तों ये आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, और ये जंतु वसा का ग्लाइकोजन कहा जाता है। और 18 नंबर प्रश्न जैव रसायन के जनक, मैंने इस प्रश्न को बताया था और पूछा गया है, तो दोस्तों जैव रसायन के जनक कौन है, तो वर्न लीबिग है, ठीक है, और 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। और 19 नंबर प्रश्न का ताला कुंजी सिद्धांत किसने दिया था, मैंने इस प्रश्न को भी कराया था जो पुराने वाले पेपर का मैंने आंसर भी डाला था प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें मैंने इस प्रश्न को कराया था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए यानी एमिल फिशर ने, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका लिपिड शब्द प्रतिपादित किया, तो दोस्तों लिपिड शब्द जो है ये ब्लर प्रतिपादित किए थे ब्लर, यानी 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और 21 नंबर प्रश्न लिपिड्स है, तो दोस्तों लिपिड्स क्या होते हैं, तो ये आपके होते हैं जल में अघुलनशील, लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं। और नेक्स्ट है आपका 22 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से लिपिड नहीं है, दोस्तों तो लिपिड कौन है नहीं, कौन नहीं है इनमें से, तो आपका ऑप्शन डी प्रोटीन क्या होता है, लिपिड नहीं होता है। और 23 नंबर प्रश्न में लाइकोपीन का उदाहरण है,
तो दोस्तों लाइकोपीन का एक उदाहरण कौन सा है, तो व्युत्पादित लिपिड का लाइकोपीन क्या है, व्युत्पादित ड्राइव्ड लिपिड का एक एग्जांपल है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों सही सुमेलित कौन नहीं है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और वसा एवं तेल ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 25 नंबर प्रश्न, साधारण तापक्रम पर कौन से ट्राइग्लिसराइड तरल अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों 25 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तेल। और नेक्स्ट है वसा में अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों, तो 26 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी संतृप्त वसी अम्ल पाई जाती है। और नेक्स्ट है आपका एमिनो अम्ल के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, तो दोस्तों एमिनो अम्ल के मध्य कौन सा पाया जाता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पेप्टाइड बंध। और नेक्स्ट है आपका 28 नंबर प्रश्न, इसमें मैं इंग्लिश वाला पढ़ देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट्स इज द ट्रू अबाउट प्रोटीन, तो दोस्तों इसका 28 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उपयुक्त जो है वो सभी हैं। और आपने मिलाते जाइएगा, मेरे पास प्रश्न पत्र सीरीज ए है, प्रोटीन के अणु में पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन के अणु में क्या पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, या इसलिए 29 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 30 नंबर प्रश्न यानी इस वीडियो सीरीज का आधा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दूध में प्रोटीन पाई जाती है, दोस्तों मैंने इस प्रश्न को बताया था और प्रश्न पूछा गया है, तो कैसीन पाया जाता है, 30 नंबर का राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। और 31 नंबर प्रश्न, बाल एवं नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों बाल एवं नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आपको बता दें तो ये आपका ऑप्शन सी वाला यानी कीरेटिन पाया जाता है, ठीक है। 31 नंबर का प्रश्न राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। 32 नंबर जो प्रश्न है इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा रक्त थक्का जमाने के लिए काम करता है, तो आपका विटामिन के रक्त को थक्का जमाता है, ठीक है, 32 नंबर का राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। और 33 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विटामिन के, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वसा में घुलनशील नहीं है दोस्तों, तो आपको बता दें ए डी ई और जो के होता है, 33 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विटामिन सी। यहाँ पे के वाला राइट है, ये भी सही है, लेकिन 33 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो दोस्तों कोबाल्ट जो होता है विटामिन बी12 में पाया जाता है। और नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से आँख से संबंधित रोग, चाहे रतौधी हो या फिर पूरा अंधापन हो होता है, तो इसलिए आपका बता दें कि ये जो प्रश्न 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। और 36 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जो विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन शब्द का खोज सर्वप्रथम फंग नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में किया था, मैंने इसको आपको बताया भी था। और निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों 37 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी विटामिन बी12 पैराडॉक्सिन। और दोस्तों ये दोनों है यहाँ पे जो ऑप्शन, ये दोनों फिर बदल करके दे दिया है, ये दोनों के दोनों गलत है, ये प्रश्न ही गलत है और इसमें ऑप्शन ही गलत दिए गए हैं। और नेक्स्ट, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है दोस्तों, तो किस खाद्य पदार्थ में विटामिन ए का प्रचुर स्रोत होता है, तो दूध उत्पाद जितने भी होते हैं दूध उत्पाद, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो विटामिन सी से रिकेट वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से रिकेट रोधी रोग होता है और इसमें विटामिन सी दिया है इसलिए गलत है, इसलिए यह सही सुमेलित नहीं है। 40 नंबर प्रश्न में पूछा गया था नींबू वर्गीय फलों में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है, तो दोस्तों नींबू वर्गीय फलों में विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है, सो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन डी। पादप हार्मोन शब्द को प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों पादप हार्मोन को थाइमन ने प्रतिपादित किया था, 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन बी। और 42 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, तो दोस्तों वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है, तो आपका ऑप्शन सी यानी ABA ये है आपका वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, ठीक है। और नेक्स्ट है पादप हार्मोन के बारे में लक्ष्य कथन है, तो दोस्तों 43 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त जो सभी हैं ये सभी कथन लक्ष्य कथन है। और नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक हार्मोन है दोस्तों, तो ये सभी जो है आपका उपयुक्त, ये सभी प्राकृतिक हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, सभी नेचुरल हार्मोन से। और नेक्स्ट है गैसीय पादप हार्मोन है, तो दोस्तों गैसीय पादप हार्मोन आपका NAA यानी ऑप्शन बी वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 46 नंबर प्रश्न, जड़ों में बहुतायत में प्रयोग किए जाने वाला हार्मोन है, तो दोस्तों जड़ों में किस हार्मोन को यूज किया जाता है, तो आपका जड़ों में ऑप्शन डी वाला यानी ABA हार्मोन को यूज किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जितने प्रश्न यानी इन सभी प्रश्नों को मैंने बताया था, आप यकीन ना हो तो आप जो बायोकेमिस्ट्री का 2 वीडियो मेरे चैनल पर पढ़ा है आप जा करके दोनों वीडियो को चेक करिए, जितना मैंने बताया था उसी से पूछा गया है और जितना आगे पूछा जाएगा उसी को बताऊंगा। सो जिस भी आपका पेपर होने वाला जिसका भी, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप सभी पेपर्स का वीडियो आसानी से देख पाएंगे। तो आप लोग बिना लेट किए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल आप लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है इस बार। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, पौधे में
ऑक्जीन हार्मोन के कार्य हैं। दोस्तों पौधों में ऑक्जीन हार्मोन का काम क्या होता है, उपयुक्त सभी होता है, ठीक है। कोशिका दीर्घीकरण, कोशिका विभाजन और जड़ों का निर्माण, ये सभी के सभी होते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, पीडीएफ नोट्स लेने के लिए जो मैंने कल पढ़ाया था, पीडीएफ नोट्स भी दिया था बिल्कुल फ्री में, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। जिबरेलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, 48 नंबर प्रश्न, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कुरुसवा, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों 49 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पादप हार्मोन में से पौधों के अनुवांशिक बौनापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो दोस्तों कौन सा हार्मोन को पौधे के बौनापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो जिबरेलिन को प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। 50 नंबर प्रश्न, बीज रहित फलन के लिए कौन पादप हार्मोन जिम्मेदार है, तो दोस्तों आपका 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों, ठीक है, जिबरेलिन और ऑक्सिन दोनों। और नेक्स्ट है आपका 51 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन इंडोल 3 एसिटिक एसिड का पूर्वज है, तो दोस्तों 51 नंबर जो प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी मिथियोनिन। और नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड में शर्करा के अणु पाए जाते हैं, तो दोस्तों न्यूक्लियोटाइड में शर्करा के कौन से अणु पाए जाते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यानी पेंटोज, ठीक है। और दोस्तों मैंने 51 नंबर जो प्रश्न है इसको आपको शायद मैंने गलत बता दिया, जो 51 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ट्रिप्टोफैन, ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैंने गलत बताया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, एक जो 51 नंबर प्रश्न है सीरीज ए का, उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ट्रिप्टोफैन। और 52 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो ऑप्शन सी में पेंटोज लिखा हुआ है, याद बढ़िया से मिला लीजिएगा। और नेक्स्ट है न्यूक्लियोसाइड्स मिलकर बने होते हैं, तो दोस्तों न्यूक्लियोसाइड्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये आपके बेस प्लस शर्करा यानी शुगर क्षार और शर्करा मिलकर के बने होते हैं। और नेक्स्ट है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को प्रतिपादित किया था, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था आज वाले वीडियो में, ये वाटसन एवं क्रिक नामक जो वैज्ञानिक है ये भी बताया था कि ये डबल वैज्ञानिक है जो कि डबल हेलिक्स मॉडल को खोजे थे, तो 54 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी। और कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है दोस्तों, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, 55 नंबर का आपका बी राइट आंसर हुआ। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कोषांगों में कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका के पावर ऊर्जा गृह कहा जाता है, इसलिए आपका जो 56 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको भी मैंने बताया था। और कोशा सिद्धांत किसमें प्रयुक्त नहीं होता है, तो दोस्तों आपका जो कोशा सिद्धांत है ये वायरस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है आयोडीन के साथ बीटा एमाइलेज खाली स्थान रंग को प्रदान करती है, तो दोस्तों ये ब्लू रंग को क्या करती है, प्रदान करती है, प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है 59 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, 59 नंबर का राइट आंसर हुआ ऑप्शन सी। और 60वां और आखिरी प्रश्न को जानने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समझिए आप अपने आप से धोखा कर रहे हो, जितना मैंने प्रश्न जो भी मेरे वीडियो देखा होगा इस चैनल का वो 100% वो 50 में 50 सही करके आया होगा, और जितने भी आगे पेपर होने वाले हैं सभी का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में आपको फ्री में पीडीएफ भी दिया जाता है। और आखिरी प्रश्न है कोविड-19 यानी कोविड-19 बीमारी फैलने का कारण क्या है, दोस्तों सभी को पता है ये वायरस से फैला था कोविड-19। और दोस्तों ये जो भी प्रश्न सीरीज मिलाने वाला वीडियो था यही समाप्त होता है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।